कबीर साहब कहते हैं कि कर्ता करे सो कर न सके, गुरु करे सो होए, तीन खंड नौ लोक में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु ही वह खिड़की है, वह द्वार है, जिसके माध्यम से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। सदगुरु तो आषाढ़ के मेघों की तरह बरसता है, हमें तो बस खाली होने की आवश्यकता है। इस संसार में भगवान रूठ जाएं, देवता रूठ जाएं, तो गुरु आपकी रक्षा कर लेगा। यदि गुरु रूठ गया तो कौन रक्षा करेगा। रामायण में एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण शिव मंदिर में बैठकर आराधना कर रहे थे और उसी समय उस मंदिर में उनके गुरु आए और शिष्य ने उन पर ध्यान नहीं दिया, उनको सम्मान नहीं दिया, अपना आसन नहीं छोड़ा। इस बात पर भगवान शंकर, जिनकी वो आराधना कर रहे थे, वही भगवान शंकर गुरु के अपमान को देखकर भयंकर क्रोध में भरकर श्राप दिया, जिस श्राप से मुक्ति के लिए गुरु ने प्रार्थना की, जिससे उनके शिष्य की मुक्ति होती है, जो बाद में रामायण के अंदर कागभूषण जी के नाम से जाने जाते हैं। तो गुरु की महानता इतनी है कि कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े ताके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु के एक इशारे मात्र से व्यक्ति राई से पर्वत बन जाता है। अलेक्जेंडर ने कहा था कि मैं जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूं, लेकिन अच्छे से जीने के लिए मैं अपने गुरु का ऋणी हूं। भारत की इस पवित्र भूमि में अनेक महान शिक्षकों ने जन्म लिया और घने काले अंधियारे में भटकती मानवता को अपने ज्ञान की रोशनी से मार्गदर्शन किया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि यदि समाज में सही शिक्षा व्यवस्था, लोगों को सही शिक्षा दी जाए, तो समाज की अनेक बुराइयों को हम समाप्त कर सकते हैं, मानवता को हम उसके सच्चे स्वरूप की दिशा में ले जा सकते हैं, जिसके लिए गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं कि अगर द्रोणाचार्य नहीं होते तो अर्जुन कैसे महान धनुर्धर हो पाते, चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त कैसे महान बनते, विवेकानंद को बनाने वाले परमहंस रामकृष्ण ही तो थे। भगवान राम ने भी अपने गुरु विश्वामित्र जी को भी अपना सर्वोच्च स्थान दिया। गुरु की महिमा को जितना भी आप लिखना चाहें उतना ही कम है, वो असीम है। चीनी कहावत है कि यदि एक वर्ष की व्यवस्था करनी है तो अनाज पैदा करो, 10 वर्षों के लिए यदि सोचना है तो फलों के बीज हो, और जो पीढ़ियों की सोचते हैं वे शिक्षक बनाते हैं। गुरु की ऊर्जा सूर्य सी अंबर सा विस्तार है। गुरु की महिमा से ही इस जग की सारी महिमा है। गुरु हमें ऐसे ज्ञान का दान देता है जो दुनिया में कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। दुनिया के सबसे बड़े संबंध को, रिश्ते को, जो कभी भी हमसे अलग नहीं हो सकता है, वह हमें हमारे गुरु से ही प्राप्त होता है। गुरु के बिना हमारा जीवन वैसा ही होता है जैसे मोती के बिना सीप। महान कवि की ये पंक्तियां जो गुरु की महिमा के लिए मैं पुनः आप सबके समक्ष व्यक्त करता हूं। सूरज यह मधुमय गुरु हमारा, सूरज यह मधुमय गुरु हमारा, जहां पहुंचन जान क्षितिज पर देता एक सहारा, ऐसा गुरु हमारा। छिटका देता है जीवन हरियाली पर, संगीत बजाकर राह दिखाता, ऐसा गुरु हमारा।
बरसाती आंखों के बादल में, बरसाती आंखों के बादल में अमृत की धारा भर देता है, हर अंधियारे को रोशन करता, ज्योति जगाता जीवन में। बन अषाढ़ के मेघों से बारिश बनकर ज्ञान लुटाता, चाहे वो हो घट के अंदर, चाहे वह हो घट के बाहर, अंबर से आया वह छोटा टुकड़ा अंबर ही कहलाता है। वह अंबर जीवन में आकर हमको आकाश बनाता है, हर ऊंचाई छोटी पड़ जाती है, गुरु कृपा बरसती जब जीवन में। हर ऊंचाई छोटी पड़ जाती है, गुरु कृपा बरसती जब जीवन में। कैसे कह दूं क्या दे दूं, कैसे कह दूं क्या दे दूं, जीवन का सर्वस्व निछावर करता हूं, तेरी हर एक आहट पर, तेरी हर एक आहट पर। 5 सितंबर को महान शिक्षाविद, दार्शनिक, महान वक्ता एवं विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा में अमूल्य योगदान है। ऐसी महान विभूति का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना हम सभी के लिए गौरव की बात है। 1962 में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी महामहिम राष्ट्रपति बने, तो प्लूटो द्वारा कहा गया वक्तव्य, राजा को दार्शनिक होना चाहिए, दार्शनिक को राजा होना चाहिए, अपने आप में सार्थक हो गया। मैं शिव शरण मिश्र अपने समस्त गुरुजनों को संपूर्ण श्रद्धा सहित चरण स्पर्श व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, जो अपने असीम स्नेह से मेरे संपूर्ण जीवन को रूपांतरित करते हुए सदा असत्य से विरत कर सत्य की ओर मुझे ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर मेरा मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।